रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो बड़ी कामयाबी का सोचो, जो शाहीन की तरह अल्लामा इकबाल के, हमेशा दुआ मांगा करें, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो सिर्फ हमारी सोचों में है, अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये दुआ कसरत से पढ़ें, रब्बी शराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उकदतम मिन लिसानी यफकहु कौली। परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। ऐ अल्लाह पाक, जो सर तेरे सामने झुकता है उसे दुनिया के सामने झुकने से बचा। ऐ अल्लाह, जो हाथ तेरे आगे फैलते हैं उन्हें बंदों के आगे फैलने से बचा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो प्यारे बच्चों, असल में दौलत जो है वो है जो बंदा दूसरों के लिए भलाई करता है, जो दूसरों को दे देता है। आप अपने पास से मुस्कुराहट दे सकते हैं, नेकी की बात दे सकते हैं, अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सारी बातें हैं जो हर बंदा कर सकता है। जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने साथ दूसरों को भी कामयाब देखना चाहते हैं। तो लामा इकबाल का एक शेर है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। तो प्यारे बच्चों, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो। कुरान हमें बताता है कि किस तरह जो है वो दरगुजर करना कितना ज़्यादा सवाब है, गीवत ना करना, हसद की ना, बदगुमानी से बचना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। अगर हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपना लिया तो हम इस दुनिया में भी कामयाब हो गए और आखिरत में भी। और मेहनत करें, दरगुजर करें, हर एक के साथ कंधा पेशानी से पेश आएँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो आज हम अपने सबक की तरफ आते हैं। आज हम नाउन्स करेंगे। इंग्लिश में नाउन्स जो हैं उन्हें उर्दू में इसम कहते हैं। नाउन आर वर्ड्स दैट नेम पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज। नाउन्स वो अल्फाज हैं जिनमें लोगों का नाम, जानवर, जगह और होता है, जैसे बॉय, अली, लाहौर, कैट, टेबल और हाउस, ये सारे नाउन्स हैं। मीट असमा, शी लिव्स इन अ विलेज। मीट असमा, असमा इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल, इज़ अ नाउन। विलेज जो है गांव, वो गांव में रहती है, गांव जो है वो जगह का नाम है, तो ये भी नाउन है। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया कि उसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए। हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हम लाखों करोड़ों के हिसाब से दुनिया में जानदार चीज़ें हैं। उनमें से सिर्फ अल्लाह ने इंसान को अक्ल की जो नेमत है वो अता किया, जिससे इंसान ने मुख्तलिफ चीज़ों के नाम रखे हैं, उससे इल्म सीखता है। और अक्ल का इस्तेमाल इसलिए दिया है कि हम अल्लाह के करीब हों, अल्लाह को पहचानें। तो प्यारे बच्चों, आप ये मैच करें, आप ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो नेम लिखे हुए और राइट साइड पे जो है नाउन्स की तस्वीरें, पिक्चर्स दी हुई हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करें और इनको इनसे मैच करें, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी कॉपी पे मैच करके फिर इनके जवाब चेक करने हैं। तो ये ट्री है, फोन, शीप, गर्ल, व्हाट, ये सारे नाउन्स हैं। अब आपके सामने कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स आ रही हैं सेंटेंसेस की, इनमें आपने नाउन्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अस्मा गोज टू द मार्केट, अस्मा मार्केट जाती है। तो अब इसमें, इस सेंटेंस में दो हैं नाउन्स, इनको आइडेंटिफाई करें, अपनी कॉपी पे लिखें, शाबाश। उसके बाद हम इसका जवाब चेक करते हैं। अस्मा नेम ऑफ अ गर्ल और मार्केट अ प्लेस जहाँ पे लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, तो दो नाउन्स हैं। नेक्स्ट है शी बाइस एप्पल, एप्पल्स, एप्पल्स कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले सेब को। अब यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें, इसमें से आइडेंटिफाई करें कौन सा नाउन है। तो नेम ऑफ अ फ्रूट इज एप्पल्स, तो एप्पल्स जो हैं, दीज एप्पल इज नाउन इन दिस पिक्चर। अस्मा ब्रिंग्स द फ्रूट होम। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में मैं आपको हिंट देती हूँ, तीन नाउन्स हैं। वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें, वन टू थ्री करके लिखें और फिर इसका जवाब चेक करें, शाबाश। अस्मा इज नेम ऑफ द गर्ल, फ्रूट और होम, थ्री नाउन्स इन दिस सेंटेंस। नाउ शी क्लीन्स द टेबल। अब यहाँ पे देखें, शी क्लीन्स द टेबल, वीडियो स्टॉप करें, तो यहाँ पे कौन सा नाउन इस्तेमाल हुआ है, शाबाश, गुड। वो किसको साफ कर रही है, टेबल को, शाबाश। नेक्स्ट है सेंटेंस, अस्मा इज अ गुड गर्ल। अब यहाँ पे मैं आपको हिंट देती हूँ, इस सेंटेंस में
दो नाउन्स हैं, कौन से भला? शाबाश, अस्मा, अस्मा इज द नेम ऑफ अ गर्ल, तो अस्मा इज द प्रॉपर नाउन, नेम और गर्ल, तो अस्मा और गर्ल दो नाउन इस्तेमाल हुए हैं। अस्मा इज अ गुड गर्ल, अस्मा एक अच्छी लड़की है। शी हेल्प्स हर मदर, अब यहाँ पे कौन सा नाउन इस्तेमाल हुआ है? शी हेल्प, आप भी अपनी अम्मी अब्बू का हाथ बटाते हैं घर में, शाबाश, अपने माँ बाप के साथ घर के काम काज में हाथ बटाने वाले बच्चों को बहुत सवाब मिलता है। शी हेल्प्स हर मदर, तो मदर जो है माँ वो एक नाउन है। तो प्यारे बच्चों, अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए अपने साथ दूसरे लोगों को भी लेके चलो, अगर आपको सबक पक्का हो गया तो अपने साथ दोस्त को भी पक्का करा दें।